साथियों, पहली बार देश में किसी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है, श्रमिकों के बारे में सोचा है, हमने उनकी परवाह की है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम किया है। भैया, आपका प्यार उत्साह मुझे मंजूर है। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मैं बोलूं क्या? आप सुनने को तैयार है? आपका इतना प्यार, इतना प्यार, मैं आपको नमन करता हूं भाइयों। लेकिन लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आप इतना प्यार दिखाते हैं और उधर सपा बसपा वालों का बीपी बढ़ जाता है जी। और फिर चिल्लाएंगे कि मोदी का डॉक्टर नहीं आया। अभी हाल ही में हमारी सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाई है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये तक की पेंशन हर महीने सुनिश्चित की होगी। इसी तरह हमने उन्हें सिर्फ 1 रुपये महीना, उसमें 2 लाख रुपया बीमा, और दूसरी योजना है 1 दिन में 90 पैसा, इतने छोटे से प्रीमियम, दूसरी योजना 2 लाख की। यानी अगर दोनों योजना लेता है तो 4 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मिलने का प्रावधान किया है। मुश्किल समय में इन बीमा योजनाओं के माध्यम से अब तक ये योजना शुरू किए 1.5-2 साल हुआ, अब तक 3500 करोड़ रुपया उसकी क्लेम राशि इन गरीबों के घर में पहुंच चुकी है। साथियों, हमारे गरीब श्रमिक भाई बहनों को इलाज में पैसे खर्च न करने पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलना तय है। भाइयों बहनों, कोई इंसान मेहनत करके गरीबी से बाहर आ रहा है, न्यू मिडिल क्लास में जा रहा है, लेकिन अगर घर में एक बीमारी आ जाए ना, तो फिर से वो गरीब बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। मैंने हर गरीब के दर्द को समझा है, उसके दर्द को सुना है, उसकी बीमारी को समझा है, उसकी जिंदगी को जाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आयुष्मान भारत योजना से आज गरीबी की बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। भाइयों, इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत हमने जान लेना बीमारी से टीकों की संख्या बढ़ाई है, टीकाकरण का दायरा बढ़ाया है। इस योजना का बड़े स्तर पर लाभ भी मेरे गरीब श्रमिक साथियों को हो रहा है। इतना ही नहीं, श्रमिक साथी अपना खुद का घर बना सके,
इसके लिए हमने पुरानी परंपराओं में भी बदलाव किया है। हमने ऐसी व्यवस्था शुरू की कि वो मनरेगा के तहत अपने ही घर का निर्माण भी कर सके। साथियों, हमारी सरकार ने उन श्रमिक साथियों को भी उनकी भी चिंता की जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि गरीब का बच्चा 3-4 साल तक तो स्कूल जाता है, बाद में छोड़ देता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे कामगारों को आय बढ़ाने में कौशल विकास मदद मिशन की भी मदद की। साथियों, इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आशा बहनें हैं, एएनएम बहनें हैं, आशा वर्कर है, हमारे डाकिये, कोई पूछता नहीं था डाकिये को। भाइयों बहनों, बरसों बाद इन सभी के वेतन को बढ़ाने का काम ये चौकीदार की सरकार ने किया है।